अस्तेपना ने इसका पता क्या पूछना? जिन लोगों ने तुम्हारी बहन का दिल तोड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या करना? घर वालों को जितनी तकलीफ हम देना चाहते थे दे चुके। क्या इतना अरे सीने मेरा तो दिल चाहता है बेटा, हर लम्हा उन्हें वो दर्द दूं कि उन्हें आसमान तक पहुंच जाए। उन्होंने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है। दिल तो मेरा टूट ही चुका है, अब एक जान बाकी, वो भी आपकी है। थैंक यू बेटा। असलम भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं पूछूंगा उनसे और आमिर साहब से भी पूछूंगा कि आखिर उन्हें क्या हक है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। ये सब हुआ है उस लड़की की वजह से, उस खुशी की वजह से। ना वो इस घर में आती ना सोहा। भाई मैं तो आप लोगों से कहूंगी कि निकालें उसे इस घर से फौरन, अभी इसी वक्त निकालें, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। खामोश। जब घर के बड़े बैठे हों तो छोटों का ना तो कोई ओहदा होता है और ना ही औकात। आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अब्बू तो उनकी मर्जी, हमें क्या हक है? हम तो रिश्तेदार हैं। अगर हम ही बेटियों के रिश्ते रुकवाने लगेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन असलम ने किया तो गलत है। उसने सही कब किया है? देना पड़ेगा उसको हिसाब। एक एक करके उसने मेरी बेटी को जो खम दिए हैं, मेरी बेटी हंसती खेलती खामोश हो गई है। अरे नवाब साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब मैंने उन्हें शायान और रिमशा की मंगनी की खबर सुनाई। अरे उनके चेहरे देखने के लायक थे। जिंदगी में खुशियां कभी कभी मिलती हैं, उन्हें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन कल इलेक्शन है इसलिए छोटी मोटी खुशियों की बजाय बड़ी खुशी पे तवज्जो दो। अगर खुदा ना खास्ता कल नवाब इलेक्शन जीत गया तो सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएंगी। अरे आमिर साहब आप फिक्र ना करें, मैंने उसकी पूरी तैयारी की है। तुम जानते नहीं उसे, मैं जानता हूं। पोलिंग के वक्त बॉक्स के बॉक्स बदलवा देता है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। आप तो उनकी रग रग से वाकिफ है लेकिन मेरी रगों में उसी खानदान का खून दौड़ रहा है। यासीन जो उनके लिए बूथ कैप्चरिंग करता था आज वो हमारे साथ। अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी किसे ने देखी रंगीली। नजर नहीं आ रहा, सफाई कर रही हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें सफाई करने की? मैं और नौकर चाकर खत्म हो गया क्या? क्यों? आप खानदान की बहू जो मैं सफाई ना करूँ तो क्या नवाब की बहू बनना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा वो कैसे?
भाई किसी भी हैंडसम जवान नवाब पर नजर रखो। पर मुझे तो यहाँ पे कोई हैंडसम नवाब नजर ही नहीं आता। क्यों, तुम्हें मैं नजर नहीं आता? पर भाई जान आप तो भाई को साइड पे रखो और जान को इधर रखो। शॉर्ट दौर है, इतना लंबा नाम लेने की जरूरत है? सिर्फ जान कह दो। पर मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा। तो देख लो, तब देखोगी जब आंखों में मोतिया उतराएगा तुम्हारे। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने कभी लैला का नाम सुना है? हाँ जी सुना है, साथ वाले बंगले पे ना झाड़ू पोंछा करती है, मेरी दोस्त है। रंगीली, तुमने कभी शीरी का नाम सुना है? शीरी फरहाद? उसको कौन नहीं जानता, लक्ष्मी चौक में ना कबाब बेचती है, अभी परसों ही तो मुझे मिली थी। रंगीली, तुमने कभी उसका नाम सुना? किसका? आपका तो मुजक्कर मोनस ही खराब है। मुजक्कर मोनस? रंगीली काम करो जी, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं ना अभी काम कर रही, ये काम आप खुद कर लें। ठीक है। अखली बदोबदी मौका मिले कदी कदी। से मंगनी करने जा रहे हैं? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। आप सोहा का नहीं कर सकते। आप नवाब अंकल से बदला लेने के लिए खुद को अजियत दिए जा रहे हैं। मुझे तो अभी भी आपकी आंखों में सोहा के लिए मोहब्बत। आप क्या आपकी बहन के साथ जिंदा खड़ी है आपके सामने? भाई अगर वो शख्स आज जिंदा होता है ना, तो उसका गिरफ्तार पकड़ के पूछती कि वो चला है, तो क्या गिने शिकवे? भाई अब ना मेरा दर्द दूर करने के लिए खुद को मजीद दर्द दिए जा रहे, जो कि गलत है। से बात नहीं करूंगी। दर्द तो मेरे दिल में भी है बहन। ओके अबू, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? वो मेरी बीवी मुझसे नाराज है। क्यों? उसे ऐसा लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, और उसका ये भी ख्याल है कि जो काम खुशी कर रही है तो वो भी कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से वो एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिद साहब बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन बेटा हमारे घर की बहुएं बाहर जाते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। मगर खुशी तो आपके साथ बाहर जाती है। वो आना कि हम खानदान की बहू नहीं, ये सियासत है बेटा, और यहाँ पे एक एक वोट के लिए ऐसे ऐसे लोगों को पड़ता है। और ये लड़की हमें लाखों वोट दिलवा सकती है। इसके आंसू जी अबू, ये औरतों की शिकायत है। Thank you.
भाईजान आप मेरी बात सुनो यार, ये जो बाहर खुद को देखोगी ना कुछ नया नजर आएगा। अच्छा उठो और अपनी जिंदगी बनाओ। गेट अप, उठो चलो। अगर ऐसा ही है तो आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? मैं कहाँ गया हूँ यार, तुम्हारे सामने तो हूँ, इस घर में हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, बल्कि सबके दिल में हूँ, दरो दीवार में हूँ। आई एम इमॉर्टल, आई एम एवरीवेयर। हंसो 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 यार ऐसे। चांद भाई पियेंगे आप? बना के लाऊं आपके लिए अपने हाथों से? तुम क्यों बनाओगी बेटा? घर में इतने सारे नौकर हैं, वो किस लिए हैं? तो क्या हुआ, मेरे दिल का है आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाने का। बनाओ। अच्छा अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो फिर बना दो। अभी ला। अरे भाई ये बच्चा क्यों रो रहा है? कोई है? जी बेगम है। इस बच्चे की माँ कहाँ है? कर रही है कमरे की। अच्छा जाइए आप बच्चा लेकर आइए। बेहतर, मैं अभी लाया बेगम साहिबा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे ये लीजिए बेगम साहिबा। बस बेटा। चांद बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के पीछे पड़े हुई क्या फायदा होगा आपको? घर में भाभी और फिर बच्चे होंगे ढेर सारे, उनका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा, आपके कपड़े भी गंदे कर देंगे। छोड़ें। हाँ भाई ये सब तो होगा, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि किस्मत वाली होती हैं वो दादियाँ जिनके पोते पोतियाँ उनके कपड़े गंदे करते हैं। सही बात है, ठीक है। कपड़े गंदे किए थे? नहीं बेटा, जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी ना ये वफात हो चुकी थी। How sad. वैसे मम्मी मेरी ख्वाहिश रही काश मैं दादी के कपड़े गंदे कर सकता। हाँ लेकिन पता है क्या, मेरे तुमने बहुत कपड़े गंदे किए। I love you mama, I love you। कमरे की सफाई हो गई? जी। काम के साथ साथ बच्चे का ख्याल भी रखा करो, बहुत प्यारा बच्चा है। बेटा चाय में मीठा कम है। जी मैं अभी लाती हूँ। वैसे मम्मी ज्यादा मिठास कभी कभी अच्छी नहीं होती।
और आपका कानून तमाशा देख रहा आंखें बंद करके। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। मुझे पता है कि तुम इतनी मजबूत हो, आसानी से इन हालात का सामना कर लोगी। बी स्ट्रॉन्ग अगेन, आई एम सॉरी। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पे रोई। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पे रोई। मेहरमान तेरे जैसा हमने देखा कोई, फतह हासिल हो। शायद इसी जीत की खुशी की खबर से इस खुशी की जिंदगी में भी कोई खुशी आ जाए। ये क्या बेबी जी, ये तो दुआ मांग रही है। ये तो दुआ, मैं भी तो कितने सालों से दुआ मांग रही हूँ, आज तक कोई एक भी कबूल हुई है? जिस की होगी, आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मांग रही है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है बीबी जी, अगर उसकी दुआ अर्श पे पहुंच गई ना तो आप तो फर्श पे रह जाएंगी। अच्छा रंगीली, तो एक काम कर, किसी पीर को ढूंढ और तावीज करवा, और वो तावीज खोल कर ना इस खुशी को पिला दे तो किसकी एक भी दुआ कबूल ना हो। बीबी जी आप भी कितनी भोली और मासूम है। वो क्यों दुख काले इनम वालों के काम है? नहीं है बीबी जी, ये जो काले नम वाले होते हैं ना, ये काट पलट के बड़े माहिर होते हैं, इनके तो अखबारों में इश्तिहार भी आते हैं। जुड़े हुए रिश्ते तोड़वा लो, नंद को तलाक दिलवा लो, सास आपकी गुलाम हो जाएगी, संग दिल महबूबा आपके कदमों में। मियां बीवी की तलाक, दीवारों के भी कान होते हैं, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं जरा भी अम्मी जी को देख के आती हूँ।
आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ जैनब, क्या बात है बोलो। अम्मी जी, ये खुशी ना बड़ी मक्कार है, बड़ी मक्कार है। दुआओं पे दुआएं मांगी जा रही है अब्बू के जीतने की। बड़ी ड्रामे पास है, खुद को ऐसा महसूस कर रही है उनका एक फर्द हो। अरे बेटा, वो तुम्हारे अब्बू के जीत के लिए नहीं दुआ कर रही है, बल्कि वो तो ये दुआ कर रही है कि वो इस घर से कहीं ना जाए। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हारे अब्बू इलेक्शंस जीत जाएंगे ना, हम उसे इस घर से निकाल बाहर करेंगे। अम्मी जी, पर रहम आ जाए और वो अपनी जीत की खुशी में इस खुशी को बख्श दे। बेटा, तुम्हारे अब्बू कौन सा कोई मुगल बादशाह है, वो एक सियासतदान है, और सियासतदान वो हाथी होता है जिसके खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अब्बू जी हार गए और असलम भाईजान जीत गए, तो क्या ये खुशी नाम की मुसीबत हमारे सरों से टलेगी नहीं? जैनब, तुम फिक्र मत करो बेटा, उसे तो दोनों सूरतों में यहां से जाना है, चाहे नवाब साहब की जीत हो या तुम अपनी जान हलकान मत किया करो, ठीक है? पर दिलावर, यासीन और अफजली दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। ये तो अच्छी बात है। वो इस बार हमारे लिए नहीं, असलम शेख के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम देखते हैं। देख रहे हैं कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, यासीन अफजल वगैरह मिलकर बूथ कैप्चर कर रहे हैं और आपका कानून तमाशा देख रहा है आंखें बंद करके। मगर वो लोग तो आप ही के लिए काम करते हैं। नहीं, अब वो असल। अच्छा, तो इस लेंगे। देखिए, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं। ये आपका कानून सिर्फ दिखावे का है।
आप फोन बंद कीजिए और पुलिस को कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कानून और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें और हमें अपना काम करने दें। अस्सलामुअलैकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम एसपी साहब। सुना है दिलावर, राणा और अफजल आपके लिए अंधाधुन काम कर रहे हैं, जिससे मर्जी उनसे जाली वोट डलवा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कीजिए उन्हें। मैं बार बार सांप की दुम पकड़ने में नहीं मानता, मैं तो सिर्फ सांप की गर्दन पकड़ता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। फौरन फोन कीजिए और अपने चमचों को रोकिए। और अगर नहीं रोका तो? पिछली बार तो आपकी जमानत हो गई थी, लेकिन इस बार अगर आप गिरफ्तार हुए ना तो महकमे पुलिस से लेके हुकूमत पाकिस्तान तक आप अपनी एड़ी का जोर भी लगा देंगे, फिर भी जमानत नहीं होगी। आपको पता है ना कि अगर मैं जीत गया तो मिनिस्टर बनूंगा। वो तो बाद की बात, लेकिन अगर आपने अपने बंदों को नहीं रोका तो रिजल्ट देखने के लायक ही नहीं रहेंगे। आप मुझे डरा रहे हैं, गोली मारेंगे मुझे आप? यहाँ गाली और गोली कभी भी कहीं से आ सकती है, अब आपकी मर्जी। या आप मेरी बात मान रहे हैं या फिर मैं अपनी दिल की सुनूं। देखिए ऐसा डर गया हूँ, मैं तो कानून की मदद कर रहा हूँ। पोल बूथ कैप्चर करके कानून की मदद, फौरन फोन करें अपने चमचों को। दिखाएं। हेलो दिलावर, बस अब तुम लोग बूथ से बाहर आ जाओ। जो होना था वो हो गया। परसों आने वाले रिजल्ट को कैसे बदलेंगे एसपी साहब? रिजल्ट आ जाए आप भी खड़े होंगे मुझे सल्यूट मारने वालों की लाइन में। बात है, आप इस तरह यहां तन्हा क्यों बैठे हैं? आप जानती हैं जमीला बेगम, पोलिंग के बाद जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते हम किसी से बात नहीं करते। सब कुछ खत्म हो गया मामू जी। और आप? असलम भाई से 1,00,000 वोट पीछे चल रहा है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो अपने करीबी अजीज पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नवाब वहीदुल्लाह से 1,00,000 वोट आगे चल रहे थे। अब ये फासला 1,00,000 वोट से घटकर महज चंद ही वोटों का रह गया। वोट नवाब वहीदुल्लाह को पिछले 1 घंटे में मिले हैं और अभी मजीद 1 घंटे की काउंटिंग बाकी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, ए परवरदिगार इस घर की इज्जत रख ले। रहे हैं 1,00,000 वोट से पीछे रहने वाले नवाब वहीदुल्लाह अब जीते की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इतना आगे निकल गए हैं कि असलम शेख को 25,000 वोट से शिकस्त दे दी। नवाब वहीदुल्लाह ने लगातार चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और अपने दुश्मनों को बता दिया है कि अभी भी इनसे बेहतर कोई सियासतदान नहीं है। नवाब साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अबू इलेक्शन जीत गए हैं, मुबारक हो। मेरे लिए क्या मुबारक, मुझे तो खुशी तब होती जब तुम्हारे अबू इलेक्शन हार जाते। कम से कम पार्टी किसी और के बारे में तो सोचती, और हो सकता था वो नाम मेरा होता। खैर, तुम्हारे अबू के इलेक्शन जीतने की एक खुशी है मुझे, कम से कम वो लड़की इस घर से चली जाएगी। अब चलो, कम से कम तुम्हें कहीं तो खुशी हुई ना। हाँ, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी तब होगी जब खुशी इस घर से चली जाएगी। कुर्सी ना सही, कम से कम जायदाद तो मेरी रहेगी ना। तुम कितनी बुरी औरत हो। अच्छा, मैं बुरी हूँ? और तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे हैं। अब्बू को कुछ मत कहना। कहना भी कैसे है, अब तो बस करना है। और वो मैं करूंगी।